हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि जो बैंकर्स हैं, जो है आप लोग जो भी बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर फॉर क्लर्क और पीओ, तो आप लोगों को लोन फैसिलिटी किस टाइप की। एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है बैंकिंग सेक्टर में कि सभी जो भी लोन आप लेंगे वो सभी लोन आपको कंसेशनल रेट पर दिए जाएंगे। मतलब सभी में आप देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट है, और बाकी जो नॉन बैंकर से बैंक से लोन लेते हैं उनमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी कंपाउंडेड कंपाउंडिंग है, एनुअली कंपाउंडिंग है सभी में। तो आप देख, आप सभी बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओबियस है, आप लोग जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट में आपको एक आपका जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल वो फाइनेंशियल पैकेज कहते हैं कि भी पैकेज है, तो एक तरह से ये पैकेज का पार्ट मानता हूं मैं इसको, क्योंकि ये भी आपको इनडायरेक्ट एक तरह से आपको हेल्प कर रहा है फाइनेंस, राइट। तो वो पूरा आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट इसी टॉपिक पे मैं पहले भी आपको दो वीडियोज दे चुका हूँ, लेकिन अभी रिसेंट आई थिंक 10 और 15 डेज पहले कुछ इन्होंने और रेट्स भी रिवाइज की हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, और साथ ही उनकी जो लिमिट है उसको भी बढ़ाया है एसबीआई में स्पेसिफिकली। तो और जो दूसरे बैंक से ओबियस एसबीआई में हो गया तो वो भी उसको फॉलो बाद में कर लेते हैं, तो इसलिए ये सेशन लेना जरूरी हो गया। अब सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आपका करीब मैं 1 से 2 मिनट लेना चाहूंगा। ये अपना स्पॉन्सर है अनअकैडमी, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सभी इसको जानते हैं। इन्होंने एक महाराष्ट्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बीटेक और बीफार्मा के लिए आपके होता है उसमें काफ़ी कुछ एक अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, और अब ये जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं एवरी संडे, वो जो इनके टॉप एजुकेटर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके फिजिक्स ये केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो के एजुकेटर्स हैं, और हर संडे को ये फ्री क्लास चल रही है। तो आप ओबियस आप ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं कंप्लीट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो भी कोई आपके यंगर ब्रदर हो, सिस्टर हो, कजन हो, रिलेटिव हो, नेबर्स हो, तो उनको आप ये चीज़ बता सकते हैं कि इस तरह से ये कनेक्टेड में प्लेटफॉर्म है और इस पर इस तरह से चल रहा है, फ्री क्लासेज हैं, आप फ्री क्लासेज ज्वाइन कीजिए, फिर आपको ये लगे कि यूजफुल है देन आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जब सब्सक्रिप्शन ले तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी जिसको भी आप मोटिवेट इसके लिए करें तो अपना प्रोमो कोड जो वर्चुअस का है वो अगर यूज करेंगे, जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है अपना वर्चुअस का प्रोमो कोड, तो प्रोमो कोड अगर वर्चुअस का यूज करेंगे तो 10% का उनको डायरेक्ट रिबेट भी मिल जाएगा। और अभी काफ़ी इनके स्कीम्स चल रही हैं, जैसे स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही है, अगर जो टॉप 50 है, टॉप 10 है, टॉप 20 है, अलग अलग ये चेंज होती रहती है, तो वो फ्री स्कॉलरशिप का, फ्री सब्सक्रिप्शन का, काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स अभी चल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। और लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर जैसे ही क्लिक करें, दूसरी जो आपको इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट वहाँ से आपको मिल जाएंगी टाइमिंग वगैरह। अब चलिए अपने जो मेन सेशन पे चलें, तो कई तरह के लोन हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट लोन है वो है हाउस बिल्डिंग लोन। तो हाउस बिल्डिंग लोन में इसमें अमाउंट भी काफ़ी अच्छी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही नॉमिनल है, और सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सबसे पहले तो ये देखें कि इंटाइटलमेंट क्या है, क्या एक बैंकर जैसे ही उसने बैंक को ज्वाइन किया क्या वो इंटाइटल हो गया, नहीं हुआ। इंटाइटलमेंट है इसमें 5 ईयर्स आपकी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्स सर्विस मैन है, मान लो जैसे ये फोर्स के लोग जो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से वो लोग बैंक ज्वाइन करते हैं, तो कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए प्रोबेशन क्लियर होते ही वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने पहले से कोई हाउस बिल्डिंग लोन नहीं लिया। आप नए घर के लिए ले सकते हैं, आप घर के रिनोवेशन के लिए ले सकते हैं, सभी चीज़ों के लिए मिलता है, 5 साल में आप इसमें इंटाइटल हो जाते हैं। और वैसे भी आप देखो आजकल के जो बच्चे हैं उनको 3-4 साल तो ये डिसाइड करते भी लग जाता है कि उनको इसी जॉब में रहना है या इसमें या इसको स्विच करना है, राइट। तो जैसे ही वो अपना माइंड सेट करता है कि हाँ मैं यही जॉब करूंगा, तब तक वो इंटाइटल हो जाता है। अब देखिए लिमिट्स, लिमिट क्या है, तो लिमिट अभी रिसेंट रिवाइज हुई है बिफोर 10 और 15 डेज। तो इसमें जैसे मैं एसबीआई की बताऊंगा आपको, तो इसमें आपके स्केल 1 से लेके स्केल 1 टू 5
मतलब अप टू एजीएम, पीओ से लेके एजीएम को एक ही उसमें रखा है, और इनकी जो लिमिट थी वो पहले इनकी 60 लैक्स होती थी जो अब 80 लैक्स होगी, मैक्सिमम लिमिट 80 लैक्स तक का लोन ये ले सकते हैं, 80 लैक्स राइट। इसके बाद स्केल 1 टू स्केल 5, हाँ जो सर्टेन एक मार्जिन मनी का जो है, जैसे आप कोई भी घर लेंगे तो उसमें जो भी मार्जिन मनी का, यहाँ भी डेफिनेटली होगा ही होगा कि भाई घर अगर आप 1 करोड़ का है तो 10% आप खुद देंगे, उसके बाद ही कोई फाइनेंस आपको मिलेगी, वो 10% का राइडर डेफिनेटली यहाँ भी है, बट जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है वो रिवाइज हो गई है, वो 80 लैक्स हो गई है। और जो लोग अबव हैं इसके, मतलब डीजीएम एंड अबव, स्केल 6 आपके डीजीएम हो गए एंड अबव, उनको पहले 80 लैक्स थी वो 1 CR हो गई। अब अगर आप इसमें देखें क्लर्क और सबॉर्डिनेट स्टाफ, क्लर्क और सबॉर्डिनेट स्टाफ जो है, इसमें क्लर्क को अब 60 लैक्स कर दी है और सबॉर्डिनेट स्टाफ का इसमें उनके थोड़ा कंफ्यूजन था कि आइदर 40 और 45 लैक्स इसकी भी लिमिट कर दी गई राइट। ये सभी की लिमिट्स बढ़ाई है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.95% पर एनम, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट। सबसे बड़ा जो इसमें गेन है वो किसका है, वो है सिंपल इंटरेस्ट का। आज आप नॉन बैंकर कोई भी अगर फाइनेंस करवाता है तो ओबियस है रेट्स उसकी भी डे बाय डे गिरती जा रही है, आई थिंक अभी 7.5% के आसपास है, बट वो 7.5% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आप बैंकिंग एक्सपीरियंस से आप सब जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई बच्चा 40 लाख के आसपास का लोन लेता है तो उसमें और उसका जो रीपे का पीरियड अगर वो 30 ईयर्स के आसपास रखता है तो आई थिंक मोर देन 25,000 के उसके जो प्री जो उसका आपका जो ईएमआई है उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो वो एक तरह से आपको इनडायरेक्ट में बेनिफिट हो गया, मतलब एक तरह से वो सैलरी का पार्ट हो गया। अब सैलरी का बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो हिडन इसका फाइनेंशियल पैकेज है वो बहुत बड़ा है बैंकिंग का राइट। तो इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट है, एक लिमिट जरूर है इसके अंदर कि आपकी जो ईएमआई है, ईएमआई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ईएमआई मैक्सिमम ईएमआई पॉसिबल है 40% ऑफ मंथली सैलरी, जो आपको सैलरी आपकी है ग्रोस जो मंथली सैलरी है उसके 40% से ज्यादा ईएमआई नहीं हो सकती। तो एक राइडर तो ये हो गया कि भाई आपका जैसे कोई पीओ लगता है तो 80 लाख से ऊपर उसको नहीं मिलेगा फर्स्ट, देन 10% मार्जिन मनी तो वो कम से कम जो 88 लैक्स का आपका हाउस भी होगा, देन आपकी जो ईएमआई हुई, जैसे आप कम एज के हैं तो ईएमआई काफी लंबे स्पान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो छोटी हो जाती है, तो वो जो भी आपको सैलरी है, जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 20,000 से ज्यादा की ईएमआई पॉसिबल नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसको नोट डाउन कीजिए सभी लोग। देन सेकेंड है एक व्हीकल लोन। व्हीकल लोन में क्या है, सबसे पहले अपने चर्चा करें एलिजिबिलिटी की। जैसे वहां एलिजिबिलिटी आपके 5 ईयर थी, यहाँ है सिर्फ प्रोबेशन क्लियरेंस। जैसे ही आपने प्रोबेशन क्लियर किया आप इलिजिबल हो गए। अब इसमें दो तरह के हैं, एक है टू व्हीलर के लिए और दूसरा है आपका 4 व्हीलर के लिए राइट। जो 4 व्हीलर के लिए इंटाइटलमेंट है वो पोस्ट से नहीं दिया है इन्होंने, ये आपकी बेसिक से दिया है। तो जैसे पहले आपका जो बेसिक, लेकिन मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि जैसे ही एक क्लर्क लगता है तो उसका इंटाइटलमेंट इनिशियली नहीं होता है, लेकिन जो पीओ में सिलेक्शन होता है, एज ए पीओ आपने ज्वाइन किया 2 साल में, जैसे ही आपने प्रोबेशन क्लियर कर लिया तो आप 4 व्हीलर के लिए इंटाइटल हो गए राइट। इसमें 2 व्हीलर में आपकी जो लिमिट है वो 90,000 में कहूँ इसको, 90,000 और 75,000 है, ये ऑफिसर्स के लिए 90 है और सबॉर्डिनेट एंड क्लर्क के लिए 75 है। और इसमें भी आपको जो मार्जिन मनी है वो 10% मार्जिन मनी इसमें भी आपको देनी है राइट। और इसका जो रीपे है, व्हीकल लोन का रीपे पीरियड है वो मैक्सिमम है 7 ईयर्स, 7 ईयर्स का मैक्सिमम पीरियड है। 4 व्हीलर के लिए जो है मैक्सिमम लिमिट पहले कम थी थोड़ी, अब मैक्सिमम लिमिट 15 लैक्स कर दी है, 15 लाख रुपए तक का लोन आपको कार के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ 20% मार्जिन मनी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ मार्जिन मनी 20% है बट 15 लाख तक का लोन मिल जाता है। यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट है
और सिंपल इंटरेस्ट आपका है 7.95% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, ये भी पहले इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो भी 15 लैक्स नहीं थी, वो अभी रिवाइज हुई है, और ये 7.95 था, ये 9.95% सिंपल इंटरेस्ट था। तो बड़ी चीज है वो है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये एक दूसरा बेनिफिट आपको हुआ, राइट। थर्ड अगर अपने चले तो एक कंज्यूमेबल आर्टिकल्स के लिए भी लोन बैंक देता है। कंज्यूमेबल के लिए जैसे आपने कोई लैपटॉप लेना है, आपको एसी लेना है, आपको कोई रेफ्रिजरेटर लेना है, आपको फर्नीचर लेना है घर का, तो इन सब के लिए आपको लोन मिल जाता है। इसमें कुछ क्या है, आपको कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपके आपको एज ए ग्रांट भी मिलती है, जैसे पीओ एंड अबव के लिए आपने देखा होगा, आई थिंक 1 लाख के आसपास आपको फर्नीचर के नाम का पैसा मिलता है, और वो हर आप कुछ उसमें आइटम ऐसे हैं जो आफ्टर 3 इयर्स आप दोबारा लेने के लिए एंटाइटल हो जाते हैं, उसमें 5 इयर्स का जैसा वो आर्टिकल, तो वो तो एक अलग है, उनकी मेंटेनेंस का भी अलग से आपको पैसा मिलता है, वो एक अलग है। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो इनके लिए आपको पैसा मिल जाता है, और यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिंपल इंटरेस्ट ही लगती है। देन अगर अपने चले एक फेस्टिवल एडवांस के नाम से और मिलता है, ये बड़ा फायदा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, तो फेस्टिवल एडवांस से मिनिमम 8,000 है और मैक्सिमम जो है सबॉर्डिनेट स्टाफ 15,000 ले सकता है, क्लर्क के 20,000 और ऑफिसर से 25,000 रुपए साल में एक बार ये ले सकते हैं, और इसका जो रीपे है वो मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट का है, 12 इंस्टॉलमेंट में ये इसका आपको रीपे करना है, और ये इंटरेस्ट फ्री होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये इंटरेस्ट फ्री होता है, राइट। देन एक एजुकेशन लोन, ये बड़ा लोन है, ये फिर एक बड़ा लोन है, इनिशियली आपको इसका आभास नहीं होगा लेकिन जैसे ही आपकी एक एज होगी, आपके बच्चे पढ़ने लायक होंगे, और आजकल आप देख रहे हो कि एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गई है, तो इसमें इन्होंने यहाँ फिर एक वही मुद्दा है, सिंपल इंटरेस्ट एजुकेशन लोन भी 5.95% सिंपल इंटरेस्ट, जो आप देख रहे हैं बाजार में, जो पहले तो 14% तक होता था, आई थिंक अब तो 8 या 9% के आसपास मिल जाता है, बट वो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसमें जो मैक्सिमम इसमें लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट इसमें 40 लैक्स है, लेकिन स्पेशल केसेज में जैसे कुछ हैं, जैसे आपके सभी IIT, IIM, मेडिकल, NLEA, जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में 100% है, और 40 लैक्स तक आपको कोई भी कोलेटरल प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। 40 लाख तक के लोन के लिए अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो ऑब्वियस है खर्चा उससे ज्यादा होगा ही होगा, पर ये नहीं है कि कोई आपका ईयरली खर्चा 10 लाख का तो आपको कोई 40 लाख का लोन दे देगा, वो तो लिमिट है ही है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है और विदाउट कोलेटरल एनी प्रॉपर्टी है। और जो दूसरे जो नॉन बैंकर्स के किड्स अगर कोई लोन लेंगे एजुकेशन लोन, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो इनिशियली आपको आभास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपके आप बड़े होंगे, आपके बच्चे ग्रो करेंगे, और आप उनके जब वो 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी कॉस्टली एजुकेशन लेने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा बेनिफिट है। तो मैं जैसा कि हमेशा ही आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जो सैलरी आपको नजर आ रही है, भाई वो क्लर्क हो, पीओ हो, अगर आपको जो सैलरी नजर आ रही है उससे कहीं बड़े जो बेनिफिट्स हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, और वो हैं, मतलब आपने कभी भी किसी भी बैंकर को, जैसे आपके भी कोई रिलेटिव हो, उनको फाइनेंशियली क्राइसिस में कभी नहीं देखा होगा, वो कभी भी, आप ये मान के चलिए कि हो सकता है वो वर्क का प्रेशर में आपको रोता हुआ मिल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बहुत तरह के, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, कभी उनके कोई भले ही उनके कोई बच्चों के कोई ब्याह शादी का खर्चा आ रहा है, या उनके कोई एजुकेशन बच्चों के कोई बड़ा खर्चा आ रहा है, या उसको घर बनाने की जरूरत पड़ रही है, व्हीकल लेने की जरूरत पड़ रही है, उसको इतनी अच्छी लोन फैसिलिटी है और इतने नॉमिनल इंटरेस्ट पे, टोटल लोन्स कंसेशनल रेट पे, तो कभी भी आपको ये नहीं देखेंगे कि फलां बैंकर है वो आपको ऐसा लगा कि वो फाइनेंशियली क्राइसिस से घिरा हुआ है, राइट। अच्छा जॉब है, जो आपको सैलरी नजर आ रही है वो सैलरी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं। लास्ट लोन जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये पीएफ लोन है, आपका खुद का ही पैसा है, वैसे जो आपके पीएफ में पैसा कटा, अगर आपको कभी भी जब ओकेजन, कोई छोटा ओकेजन, बड़ा ओकेजन, जैसा भी है, आपको पैसे की नीड है, तो इसमें आप पैसे ले सकते हैं। इसमें दो तरह के, एक रिफंडेबल लोन है, एक नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया और उसको वापिस आप अपने फंड में जमा करवाना चाहते हैं, तो हर महीने आपकी सैलरी से कट जाएगा,
और एक नॉन रिफंडेबल लोन है, वो आपकी सैलरी से नहीं कटेगा, ओब्वियस आपका ही पैसा है, इसलिए इस पे इंटरेस्ट का कोई मतलब होता ही नहीं कहीं दूर दूर तक। तो आज के सेशन में मैंने कोशिश की कि आपको जितने भी तरह के अपने लोन हैं बैंक में बैंकर्स के लिए, और अभी रिसेंट ये रिवाइज हुआ, मेरे के मित्र हैं AGM हैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनसे किसी और मसले पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इस तरह से कुछ हमारे लोनिंग फैसिलिटी में कुछ चेंज आए हैं, उन्हीं से टेलीफोनिकली पूछ के ही ये सेशन मैंने फिर प्रिपेयर किया। अगर इसमें कोई चेंज हुआ वो पूरा डिटेल भी मुझे देंगे, तो कुछ और डिटेल की नीड आप लोगों को हुई तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसका दे दूंगा, अदरवाइज ये सफिशेंट है। एक जाते जाते रिक्वेस्ट है आपसे जरूर करूंगा कि अपने चैनल पे क्वांटो रीजनिंग के रेगुलर सेशन चल रहे हैं अभी अभी, जैसे SBI PO प्री को फोकस करके आपको प्री और मेन, तो अगर इसमें देखें क्वांट, तो क्वांट में प्री का आपका चल रहा है 6:15 PM और मेंस का क्वांट का चल रहा है, वो चल रहा है 9:15 PM राइट। रीजनिंग का अगर आप देखें तो रीजनिंग का आपका प्री का जो सेशन है वो चल रहा है 7:45 PM और मेंस का सेशन चल रहा है वो 11:30 AM। ये दोनों सेशन जरूर सर लेते हैं और ये मैं ही ले रहा हूं राइट। तो ये भी जरूर देखिएगा, मैं आपसे सभी आपके लाइव सेशन से ध्रुव सर जो लेते हैं 11:30 AM मेंस का, ये करीब 1.5 आवर का है, बाकी सभी 1 आवर के, और 100% फ्री है। तो एक बार सेशन को कुछ सेशन जरूर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेशन से आप असेस नहीं कर पाते, तो कम से कम 2 से 3 सेशन आप लेके देखिए प्री के मेन के, फिर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लीजिए, और नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू करने की तो आपके पास है ही। और जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया सेशन आना हो, कोई इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियो हमने अपलोड किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी इच्छा है जब देखें तब देखें, नहीं देखें नहीं देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट।